दोस्तों, अभी हम लोग CBSE बोर्ड का क्लास 10th का फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का ये दूसरा चैप्टर है, और इस दूसरे चैप्टर का ये थर्ड पार्ट हम लोग कवर करने जा रहे हैं, राइट? सो आप लोगों से आग्रह है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को देखने से पहले, इससे पहले दो वीडियो मैंने बना दिया है, वो प्लेलिस्ट में है, आप लोग वहाँ से देख लीजिए ताकि आपको ये कहानी समझ में आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अनिल वॉज एस्लिप। अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बैल्कनी एंड फेल ऑन द बेड। कहने का मतलब, वो जो हरि सिंह है, उसको पता चल गया है कि अनिल जो है सो रहा था, ठीक है, और उसके रूम में बालकनी से, मतलब उसके बिछावन पे चंद्रमा की लाइट आ रही थी। रात का समय था और अनिल सो रहा है, राइट, गहरी नींद में है, और इसके अपने बिजनेस का वर्क करना है, मतलब चोरी करना है। देखो क्या करता है ये। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मतलब हरि सिंह फ्लोर पे, जिस जगह पे वो सोया हुआ था, वहाँ पे उठ के बैठ गया। कंसिडरिंग द सिचुएशन, अब वो सिचुएशन को समझ रहा था। इफ आई टूक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। कह रहा है यदि वो पैसे ले लेता है तो 10:30 का जो एक्सप्रेस है ना, लखनऊ जाने का, उसको वो पकड़ सकता था। वो सोच रहा है, वो कंसीडर कर रहा है सिचुएशन को कि यदि वो अभी पैसे ले लेता है, रात का समय है, तो अभी रात का समय तो ज़्यादा रात तो हुआ नहीं है, लेकिन 10:30 बजे रात में एक ट्रेन है ना, एक एक्सप्रेस मेल ट्रेन है जो लखनऊ तक जाती है, उसको पकड़ के निकल लेगा। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, वो क्या करता है, अपने ब्लैंकेट से निकल करके, मतलब अपने रजाई से निकल करके, कंबल से निकल करके, आई क्रैप्ड अप टू द बेड, वो रेंगते हुए कहां तक गया, जहां अनिल सोया हुआ था वहां तक गया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल बहुत शांति से सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, उसका चेहरा बहुत साफ था, चेहरे में कोई सिकन नहीं थी, अनलाइंड, चेहरे में कोई भी मार्क नहीं था, दाग नहीं था। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माय फेस। अब ये हरि सिंह कहता है कि अनिल के चेहरे पे कोई दाग नहीं था, अनिल का चेहरा बहुत साफ था, लेकिन ये अपने चेहरे का भी तुलना कर रहा है, कह रहा है कि इसके चेहरे में तो बहुत मार्क्स है, मतलब दाग है। दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, वो बता भी रहा है कि इसके चेहरे पे जो दाग है वो घावों के दाग है, स्कार्स, कहने का मतलब घाव से हुआ दाग, राइट। माई हैंड स्लाइड अंडर द मैट्रेस, अब इसकी हाथ क्या होता है, बिस्तर के नीचे पहुंच जाता है। सर्चिंग फॉर द नोट्स, और ये क्या कर रहा है, उसकी हाथ सर्च कर रहा है, पैसे कहाँ हैं, बंडल कहाँ है, है ना, पैसे कहाँ हैं, वो लाया था ना बंडल ऑफ नोट, तो वही बात है। When I found them, I drew them out without a sound. जैसे उसे वो बंडल मिला पैसे का, तो वो बिना साउंड किए, बिना आवाज किए, है ना, उस पैसे को निकाला बाहर। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड, और अनिल क्या किया, बहुत आराम से साइड मार, साई लेता है, मतलब आह लेता है, स्लीप करता है और अपने साइड में सोया हुआ है। टूवर्ड्स मी, मतलब अब वो आहे लेता है और आ भर के अंगीठी लेकर के किसके तरफ घूम जाता है, हरि सिंह के तरफ, जो कि वो गया हुआ है वहां पे मैट्रेस से पैसे निकालने। आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्राउल्ड आउट ऑफ द रूम, और ये थोड़ा आश्चर्य होता है ना, कहीं जग ना जाए, कहीं देख ना ले, पोल खुल ना जाए, इसलिए वो फटाफट वहां से क्या करता है, रेंगते हुए रूम के बाहर आ जाता है। When I was on the road, बोल रहा है जब हरि सिंह रास्ते पे आ गया,
आई बिगेन टू रन, जैसे ही सड़क पे आया, रास्ते पे आया, वो दौड़ने लगा, मतलब भागने लगा। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, और वो पैसे कहाँ पे थे, उसने अपने कमर में बांध रखे थे, हेल्ड देयर बाई द स्ट्रीम ऑफ माई पैजामास, मतलब उसको अपने पैजामा का जो स्ट्रिंग्स है, मतलब डोरी है, उसमें बांध रखा था उसने उस पैसे को। आई स्लोड डाउन टू अ वॉक एंड काउंटेड द नोट्स, 600 rupees इन 50s। उसने अपने दौड़ने, अब वो दौड़ रहा था, तेजी से भाग रहा था, उसने तेजी से भागना बंद किया, स्लो किया अपने आप को और चलने लगा, और चलते चलते उसने वो पैसे को काउंट किया, टोटल 600 rupees थे। कितने थे? 600 rupees थे, वो भी 50s में थे। किसमें थे? 50s में, 50-50 का नोट करके 600 rupees थे। आई कुड लाइव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू। कह रहा है कि इस पैसों से, मतलब इन पैसों से हरि सिंह आराम से एक अरब की भांति जी सकता है। अरब, जैसे अरब में आप जाओ दुबई वगैरह में, तो वहाँ जो होते हैं लोग, सब लोग के पास तो ऑयल रिच पर्सन होते हैं, मतलब उन लोगों के पास पेट्रोल होता है, डीजल होता है, वो निकलता है, तो उससे जो पैसे आते हैं, अरब लोग बहुत अमीर होते हैं, तो अरब लोगों का जो लाइफ होता है, लाइफ स्टाइल होता है जीने का, वो थोड़ा महंगा होता है, एक्सपेंसिव होता है। तो ये कह रहा है इतना उसके पास पैसे आ चुका है, दैट मीन्स 600 rupees आ चुका है, ये इस 600 rupees से तो वो एक सप्ताह या दो सप्ताह तक वो अरब की ज़िंदगी जी सकता है, कहना चाहता है वो, ठीक है। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life. अब देखिए हरि सिंह कहाँ पहुँच गया, स्टेशन पे पहुँचा, लेकिन वो स्टेशन पहुँचने के बाद टिकट ऑफिस पे नहीं गया, क्योंकि उसने अपने लाइफ में कभी टिकट कटाया ही नहीं था। बट डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, वो सीधे प्लेटफॉर्म पे चला गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, और जो लखनऊ एक्सप्रेस है ना, वो जस्ट निकल ही रहा था, मतलब स्टेशन को छोड़ के बढ़ रहा था। द ट्रेन हैड स्टिल टू पीक द पिकअप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जम्प इनटू वन ऑफ द कैरेजेस। मतलब ट्रेन जो है ना, जस्ट वो अपना स्पीड पकड़ने ही वाला था, काफ़ी समय था उसके पास, और ये चाहता ना तो आराम से, मतलब जंप करके किसी भी एक बोगी में चढ़ सकता था। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन हरि सिंह थोड़ा हिचकिचाया। फॉर सम रीजन आई कैंट एक्सप्लेन, बोल रहा है कि वो हिचकिचाया, मतलब नहीं चढ़ा, कुछ कारण था, राइट, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, कह रहा है। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और इस तरह से क्या हुआ, वो वहाँ से भाग निकलने में असफल रहा, मतलब वो, मतलब अपॉर्चुनिटी को, चांस को मिस कर गया, कहने का मतलब ट्रेन छूट गई, क्योंकि ट्रेन स्पीड पकड़ चुकी थी, है ना। अब सुनो उसके बाद की कहानी क्या होती है। When the train had gone, जैसे ट्रेन चली गई, I found myself standing alone on the deserted platform. अब वो अपने आप को अकेला पाता है उस सुनसान प्लेटफॉर्म पे, मतलब स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म है वो एकदम सुनसान हो गया है, सन्नाटा हो गया है, वहाँ पे वो अपने आप को अकेले पाता है। I had no idea where to spend the night, और इसको कोई आइडिया नहीं है कि ये रातें कहाँ गुजारेगा। I had no friends, उसके पास कोई मित्र भी नहीं था, believing that friends were more trouble than help, और वो जानता है कि दोस्त जो होते हैं वो हेल्प से कहीं ज़्यादा ट्रबल पैदा करते हैं। इनको ये आइडिया था हरि सिंह को, ठीक है। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाई स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन, और वो ये भी नहीं चाहता था कि किसी दूसरे आदमी को ये मतलब क्यूरियस कराए, या मतलब उसको किसी दूसरे आदमी को शक होने दे कि वो बगल के ही कोई स्टेशन के बगल के छोटे से होटल में, है ना, रह रहा है। अगर वो जाएगा, रहेगा छोटे से होटल में रात को, तो डेफिनेटली कुछ लोग उसको नोटिस करेंगे, तो नहीं चाहता है कि कोई उसको नोटिस करे, ठीक है। क्यों नहीं चाहता है? क्योंकि वो, उसका रिकॉर्ड ठीक नहीं है, वो चोरी करता था, कहीं हो सकता है पकड़ा जाए, इसीलिए वो चांस नहीं लेना चाहता है छोटे से होटल में रहने का, किसी भी, मतलब स्टेशन के बगल में, अगल बगल में जो भी होटल है, उस होटल में रहना नहीं चाहता है।
द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड. कह रहा है कि वो एकमात्र आदमी को अच्छी तरह से जानता है, वो आदमी और कोई नहीं है जिसको उसने लूटा है, मीन्स अनिल को. अनिल को ही अच्छे से पहचानता है वो. लीविंग द स्टेशन, स्टेशन को छोड़ते हुए, आई वॉक्ड स्लोली थ्रू द बाजार. वो धीरे धीरे बाजार की तरफ चलने लगा. इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीप, बोल रहा है कि एक छोटे से समय में, मतलब चोरी का एक करियर है इसका है ना, करियर एज अ थीप, मतलब चोरी जो इनका, इसका जो पेशा था, उस छोटे से समय में, आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस वेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स. कह रहा है कि इस छोटे से समय में चोरी का जो करियर था, उस चोरी के करियर में वो बोल रहा है कि बहुत सारे लोगों को उसने, बहुत सारे लोगों का चेहरा वो पढ़ना जान गया था, है ना. जब वो अपना सामान खो देता है कोई आदमी, तो उसका एक्सप्रेशन क्या होता है वो बता रहा है. द ग्रीडी मैन सोड फियर, जो लालची लोग होते हैं वो डर जाते हैं. द रिच मैन सोड एंगर, और जो रिच मैन होते हैं जिनका सामान खो जाता है या कोई चुरा लेता है तो गुस्साता है. द पुअर मैन सोड एक्सेप्टेंस, और जो गरीब आदमी होता है वो एक्सेप्ट कर लेता है, बोलता जा चोरी हो गया. बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस. वो जानता है कि अनिल का जो चेहरा है, जब उसे पता चलेगा कि उसके घर में उसका पैसा चोरी हो गया है, तो वो केवल उदास होगा, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी. और इस बात को लेकर के वो उदास नहीं होगा कि उसका पैसा चोरी हो गया है, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट. वो इस बात को लेकर के काफ़ी ज़्यादा उदास होगा, क्योंकि वो जिस पे भरोसा किया उसी ने उसके साथ विश्वासघात किया. इस बात को लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होगा. आई फाउंड माई सेल्फ इन मैदान एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच. अब वो एक फील्ड में गया, मतलब गार्डन, मैदान एक गार्डन टाइप का होता है ना, वहाँ पे बेंच भी था, तो उस बेंच पे वो बैठ गया. द नाइट वॉज चिली, रात बहुत ठंडी थी. इट वॉज अर्ली नवंबर, और ये नवंबर का पहला वीक था, मतलब फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर था. एंड अ लाइट डीजल एडेड टू माई डिसकम्फर्ट, और उसी समय क्या हुआ, हल्का फुल्का बूंदाबांदी शुरू हो गया, मीन्स बारिश होने लगी, और जिसके वजह से ये डिसकम्फर्ट फील करने लगा. मतलब इसका मतलब अब तो एक ठंडा भी है ना, ऊपर से बारिश हो रही है, तो और डिसकम्फर्ट होने लगा, आराम महसूस नहीं हो रहा था. सुन इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवली, और थोड़े देर बाद क्या हुआ, जोरों की बारिश शुरू हो गई. माई शर्ट एंड पैजामा स्टक टू माई स्किन, अब इसके जो शर्ट हैं और पैजामाज है, ये सब स्किन में चिपकने लगे, मीन्स भींग गए थे. एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और जो ठंडी ठंडी हवाएं हैं, और उस हवाओं की वजह से जो बारिश की बूंदें हैं इसके फेस पे पड़ रही थी. मीन्स एक तो ठंडी हवाएं, दूसरी बारिश की बूंदें, और तीसरा रात, और ऊपर से ठंडा समय, है ना, तो समझ लो कितना कठिनाई होता होगा. लेकिन ये तो चोरी करके भागा है ना. तो दोस्तों यहीं तक, नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत जल्दी लाने वाला हूँ, तब तक आप इसे पढ़िए, इंजॉय करिए, सीखिए, समझिए. और हाँ, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है, पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा. ओके, बाय बाय.